जय श्री राम। आगे एपिसोड में हम आगे बढ़ रहे हैं। 23 जून 1964 आबू पहाड़ में किया गया प्रवचन। द टॉपिक इज इच्छा की निवृत्ति। जैसे सूर्य की परछाई जो पानी में दिखाई देती है वह वास्तविक सूर्य नहीं है, सूर्य का आभास मात्र है। वैसे जो विषय भोगों का जो आनंद प्रतीत हो रहा है वह भी आभास मात्र है, वह वास्तविक आनंद नहीं है। फिर जो आभास आनंद क्षण मात्र का है वह भी ब्रह्म का ही आनंद है। जैसे सूर्य व सूर्य का आभास सूर्य का ही रूप है, वैसे ही जो आनंद हम अनुभव कर रहे हैं वह सब पार ब्रह्म परमेश्वर का ही है, तथा जो चेतनता देख रहे हैं वह भी ब्रह्म की ही है, तथा जो अस्तित्व या सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी ब्रह्म की ही है। वही एक पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य चेतन व आनंद स्वरूप है। किसी में सत्ता रूप में प्रतीत हो रहा है तो किसी में चेतनता रूप में, तो किसी में आनंद रूप में। सत्ता अर्थात अस्तित्व, जैसे जड़ पदार्थों में चेतनता, जैसे किसी प्राणियों में ज्ञान, तो किसी में आनंद अर्थात जिसे आनंद आ रहा है। मगर जिसका हृदय शुद्ध है उसे पार ब्रह्म परमेश्वर एक ही अभेद रूप आनंद में प्रतीत हो रहा है। वह सत्य भी स्वयं है, चेतन भी स्वयं, तो आनंद भी स्वयं है, सत्य आनंद स्वरूप है। स्वामी रामतीर्थ के पास एक सज्जन ने जाकर निवेदन किया कि स्वामी जी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं दुनिया का राजा बन जाऊं। स्वामी जी ने कहा, दुनिया का राजा बनकर फिर क्या करोगे? कहने लगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। स्वामी जी ने उससे कहा कि समझो कि तुम राजा बन गए हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, उस इच्छा के पूर्ण होने पर तुझे खुशी व आनंद मिला। वह आनंद राजा बनने में नहीं है, परंतु राजा बनने के बाद इच्छा निवृत्त हुई तब तुम्हें आनंद मिला। अतः यदि तुम अब भी इच्छा का त्याग करोगे तो तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। जिस आनंद के लिए तुम राजा बनना चाहते हो उससे अधिक आनंद तो इस इच्छा को निवृत्त करने में है। धन्यवाद। जय श्री राम।